नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विचार्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ओपन है एमआरपीएल लिमिटेड का टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। जैसे कि स्टॉक का प्राइस आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड ईयर 2007 में यहाँ पे टॉप ट्रेड किया था एंड आफ्टर ईयर 2007 प्राइस देखे इसी रेंज के अंदर ट्रैप हो गया था। जब भी रेंज का अपर बाउंड्री को प्राइस टेस्ट कर रहा था, प्राइस को वहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला था एंड रेंज का लोअर बाउंड्री से मल्टीपल टाइम डिमांड मिला था एंड फाइनली स्टॉक का प्राइस मल्टी ईयर का कंसोलिडेशन के बाद ईयर 2023 में मल्टी ईयर का ब्रेकआउट किया एंड ब्रेकआउट करने के बाद देखिए प्राइस अभी पुल बैक कर रहा है। आज पर द प्राइस एक्शन, अगर प्राइस कभी भी कोई भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर लेता है, इसी केस में ब्लू लाइन ब्रेकआउट करने के बाद अगर प्राइस रिटेस्ट करेगा ना, वही मल्टीयर का रेजिस्टेंस लाइन अभी के लिए एक्ट एज ए मल्टीयर का सपोर्ट। क्योंकि प्रीवियसली देखिए जो ब्लू लाइन था ना, मल्टीयर का रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा था, ब्रेकआउट के बाद वही ब्लू लाइन यहाँ पे मल्टीयर का सपोर्ट जैसा काम करेगा जो की लेवल बन रहा है 135 का। प्राइस देखिए यहाँ पे जो रिसेंट हाई क्रिएट किया था नियरली 291 के आसपास, प्रोबेबिलिटी हाई है कि प्राइस जिस का करेक्शन किया है डायरेक्ट यहाँ पे 135 जो कि स्टॉक का प्राइस के लिए मल्टीयर का सपोर्ट यहाँ पे एक्ट एज ए लोअर ही जोन। अगर इस लेवल को होल्ड कर लेता है फिर से प्राइस यहाँ पे बाउंस कर सकता है। अगर आपके पास है, आपको होल्ड करना चाहे, 135 के आसपास मल्टीयर का सपोर्ट बन रहा है, इस लेवल के आसपास टच करने के बाद फिर से बाउंस करेगा, वहां पे रिड्यूस कर सकते हैं एंड यहाँ पे टेस्ट करने के बाद जब हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट करेगा वहां पे आप एडिशन कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे करके उसका मल्टीयर का सपोर्ट जो कि 135 है उसी लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसी हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। अगर अब हम क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स देखेंगे, सेल्स का ग्रोथ लगभग फ्लैट है, लेकिन कंपनी यहां पे आफ्टर 5-6 क्वार्टर यहां पे सितंबर क्वार्टर में लॉस डिक्लेयर किया है जो कि एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस लगभग यहां पे अभी 40-50% का करेक्शन आ चुका है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाएंगे तो देखिए यहां पे एफआई शेयर होल्डिंग को डिक्रीज किए हैं, डीआई कर रहे हैं, एफआई डीआई दोनों एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी होल्डिंग यहां पे प्रमोटर के पास है जो कि एक स्ट्रांग होल्डिंग है 88.59% के आसपास एंड पब्लिक यहां पे होल्ड कर रहे 8.23% जो कि मैनेजेबल क्वांटिटी है, लोअर क्वांटिटी है। मल्टीयर का सपोर्ट के आसपास नजर रखिएगा, अगर उस लेवल को होल्ड करता है आने वाले टाइम में बाउंस आ सकता है। मैं आशा करता हूं आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।